कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता है। नहीं, कभी भी नहीं बोले हम, ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए, इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर वहां के हिंदू आकर उन्हें बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालो की पुरानी खदी मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेगा? वो काम जो बीजेपी नहीं कर रही, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात नहीं कर रही, महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरीना का उपुरा, गंदी का गेट, गौरीपुरा, सुनाटा किस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को और दिया, तुमको क्या दिया? इन लोगों ने मुझे दिया, दवा खाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों कोई स्कूल मिला? गौरीपुरा वालों कोई दवा खाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना सकते हो। और देते हो जो लेना, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है, वो तुम्हारा सिर्फ है, ये हमारा सिर्फ है। स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए मिला। अगर गौरीपुरा सुल्तान शरीफ